समाज सेवक बाबा आमटे की पोती आनंदवन के महारोगी सेवा समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर शीतल आमटे करजगी की सोमवार की दोपहर संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। गैर बीजेपी नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद चर्चा है कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने भी राज्य में बीजेपी नेताओं खासकर देवेंद्र फडणवीस के करीबी नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है। जलगांव की एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के तथा कथित घोटाले के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राइट हैंड समझे जाने वाले पूर्व मंत्री गिरीश महाजन के करीबी लोगों पर पिछले दिनों छापेमारी हुई है। कर्नाटक की बेलगावी लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस बीच बीजेपी नेता और कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री के एस ईश्वरप्पा का बयान सामने आया है। के एस ईश्वरप्पा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह किसी भी हिंदू समुदाय को टिकट दे सकते हैं, लेकिन किसी मुस्लिम को नहीं। बता दें कि ईश्वरप्पा कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री है। देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच राजस्थान और हरियाणा सरकार में बाजरे को लेकर ट्विटर वार शुरू हो गया है। बाजरे की खरीद को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की ओर से किए गए ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है। खट्टर के ट्वीट पर राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है। उन्होंने इस ट्वीट को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इससे बाजरे पर घमासान मचा हुआ है। मुंबई पुलिस ने शादी के बहाने 26 वर्षीय एक टीवी अभिनेत्री के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने वाले एक कास्टिंग डायरेक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह यहां वर्सोवा पुलिस स्टेशन में अभिनेत्री द्वारा शिकायत करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि कास्टिंग डायरेक्टर ने उनसे शादी करने का वादा करने के बाद शहर के विभिन्न स्थानों पर उनके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी की उम्र अभी 26 साल है और दोनों पिछले दो वर्ष से एक दूसरे को जानते हैं। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने अभिनेत्री को आश्वासन दिया था कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन जब उसने बाद में ऐसा करने से इनकार कर दिया तो महिला ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। वर्सोवा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राघवेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, हम मामले की जाँच कर रहे हैं। टॉप ग्रुप में हुए घपले के मामले में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के पुत्र विहंग से पूछताछ के लिए ईडी ने तीसरी बार समन जारी किया है। पिछले सप्ताह प्रताप सरनाइक के घर पर ईडी छापे के बाद विहंग से लगातार 4 घंटों तक पूछताछ की गई थी। उसके बाद से वे ईडी कार्यालय में पहले और दूसरे समन के बाद भी 25 और 26 तारीख को हाजिर नहीं हुए। इस मामले में ईडी ने अमित चांदोले से कड़ी पूछताछ की, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 26 को चांदोले को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, इसके बाद उसे 3 दिनों के लिए कस्टडी भेज दिया गया। चांदोले से पूछताछ के बाद कई राज उजागर हो सकते हैं, इसके आधार पर ईडी आगे कार्रवाई करेगी। लगाई है 2014 से क्लास 1 ऑफिसर के पद के लिए सरकारी नौकरी हेतु कविता ने आवेदन किया था, लेकिन उसके बाद इस पद के लिए अप्लाई करने वाले कुछ खिलाड़ियों को नौकरी मिल गई, मगर कविता वंचित रह गई। मीडिया के सामने अपनी व्यथा बयान करते हुए कविता ने बताया कि 2014 से अब तक मेरी नौकरी का आवेदन फाइलों में दबा पड़ा है। मैंने समय समय पर इसका फॉलो अप भी लिया, किंतु मुझे न्याय नहीं मिला। वैसे कविता को फिलहाल देहरादून में ONGC में पोस्टिंग मिली है, लेकिन ग्रामीण इलाके से ताल्लुक रखने के कारण वे महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों के लिए कुछ करना चाहती थी। उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर चुनाव आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सबसे अधिक मत मिलते हैं तो उस क्षेत्र के परिणाम रद्द कर दिए जाएं और नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। यह याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई है। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि रद्द हुए चुनाव के उम्मीदवारों को नए चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाए। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा है कि अगले 2 साल के दौरान उभरते एशियाई क्षेत्र के बैंकों की पूंजी में कुछ गिरावट आएगी। इसी के साथ मूडीज ने कहा है कि नया निवेश नहीं मिलने पर इस दौरान भारत के बैंकों की पूंजी सबसे अधिक घटेगी। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरते बाजारों के बैंकों के लिए संपत्ति की अनिश्चित गुणवत्ता सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी वजह COVID-19 महामारी के चलते परिचालन की परिस्थितियों का चुनौतीपूर्ण होना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उभरते बाजारों में 2021 के लिए बैंकों का परिदृश्य नकारात्मक है, वहीं बीमा कंपनियों के लिए यह स्थिर है।
विश्व कप इतिहास में अपने एक गोल से सबसे बड़ा उलटफेर करने वाले सेनेगल के लंबी कदकाठी के मिडफील्डर पापा बोबा डियोप का निधन हो गया। वह 42 वर्ष के थे। फुटबॉल की संचालन संस्था फीफा ने कहा कि फीफा सेनेगल के महान पापा बोबा डियोप के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी है। जापान और दक्षिण कोरिया में हुए 2002 विश्व कप के शुरुआती मैच में डियोप के गोल की मदद से सेनेगल ने गत चैंपियन फ्रांस को 1-0 से शिकस्त देकर उलटफेर किया था। इस विश्व कप में सेनेगल ने पदार्पण किया था और इस जीत की बदौलत टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई थी, जिससे उसने किसी अफ्रीकी टीम के टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बराबरी की थी।